गुड इवनिंग गाइज अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गुड इवनिंग एवरी मैन और राइट तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका जो गेट का आंसर की है वो आउट हो चुका था ठीक है तो हम लोगों ने गेट बी टी एक्सेल और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था तो वहाँ पर हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है आंसर की एकदम सही तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फिजिकल साइंस के उन दस क्वेश्चन के बारे में जनरल एप्टीट्यूड के उस पार्ट के बारे में तो इनको पहले देख लेते हैं यहाँ पर दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आंसर की में मार्क्स टू ऑल यानी कि सबको उसके मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं उन दो क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों किया गया है उसके पीछे का भी जो रीज़न है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा ठीक है तो आपने उस क्वेश्चन को चाहे अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है तो आपको उसके मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे ठीक है तो एक एक करके हम इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे जो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे वो ये था <coughs> ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट फॉर्म में आपसे पूछा गया था यानी कि कुछ क्वेश्चन अच्छा था बट हाँ आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे ना तब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो नहीं तो आपको यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाला है जो ऑब्जर्वेशनल पावर है ऑब्जर्वेशनल स्किल है उसका यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है गुड इवनिंग राहुल गुड इवनिंग संजीव अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ठीक है तो इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से किया इसको मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ <coughs> बोला गया अ प्लेनर रेक्टेंगुलर पेपर हैज टू वी शेप्ड पीस अटैच एज शोन बिलो यानी कि इस फिगर के अंदर आपको ये आपको एक प्लेन शीट दे रखी है जिसमें ये रेक्टेंगुलर पेपर है इसके ऊपर वी शेप दो वी शेप पेपर इस तरह से अटैच किए गए हैं तो आपको इसकी हेल्प से इस टू डी प्लेन की हेल्प से एक थ्री डी स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो पूछ रहा है कि कितने यहां पे आपको फोल्ड करने पड़ेंगे सो so दैट आप इस तरह का फिगर बना सकते हो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरह का पेपर है आपको क्या करना है वी शेप के जो आपके पास दो शेप हैं, उसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करना मैं थोड़ा सा आपको हेल, फिगर की हेल्प से बताने की कोशिश करूँगा आपको क्या करना है यहाँ से इसको फोल्ड करना है डाउनवर्ड्स तो दो फोल्ड तो ये हो जाएंगे तो आपका फिगर कुछ इस तरह का बनता हुआ नजर आएगा लाइक दिस ठीक है लाइक दिस ठीक है और यहाँ पे आपका शीट आ जाएगा रेक्टेंगुलर शीट ठीक है और एक सिमिलर इस तरह का फोल्ड आपको सामने की तरफ भी दिखेगा लाइक दैट इस तरह से ठीक है और उसके ऊपर ये शीट है उसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर शीट है ठीक है तो यानी कि जो नीचे का जो शेप है ये जो स्ट्रक्चर है ये तो आपका बन जाएगा इधर भी और इधर भी बट इसके ऊपर ये जो यहाँ पे थिकनेस दिख रही है ना आपको ये थिकनेस कैसे आएगी ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसको फोल्ड करके आएगी अब इसको आपको फोल्ड करना है दो फोल्ड तो आपने कर दी तीसरा फोल्ड किधर होगा तीसरा फोल्ड जब इस शीट को आप इसके ऊपर लगाओगे यानी कि इस तरह से रेक्टेंगुलर शीट को आप इस तरह से लगाओगे तो द थर्ड फोल्ड, यानी कि इस फोल्ड की बात हो रही है थर्ड फोल्ड यहाँ पे फोल्ड किया गया है चौथा फोल्ड यहां पे किया जाएगा इस पार्ट में पांचवा फोल्ड यहां पे किया जाएगा इस पार्ट में छठा फोर्ड ऊपर किया जाएगा जब इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सिक्स फोर्ड यहाँ पे हो गया सातवां फोर्ड इसके पीछे होगा सेवेंथ एट फोर्ड नीचे की तरफ होगा और नाइन्थ फोर्ड इधर होगा यानी कि कुल मिला के देर विल बी नाइन फोर्ड नौ फोर्ड इस तरह से बनेंगे ठीक है कुछ इस तरह का सवाल था आपको दो फोल्ड नीचे करने वन टू और उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा क्योंकि ये जो फोल्ड है ये वाला ये इस साइड होगा ये वाला जो फोल्ड है वी शेप, ये सामने की तरफ होगा अब ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसके ऊपर आपको इसको कवर करना पड़ेगा तब ये थ्री स्ट्रक्चर बनेगा तो कुल मिला के आंसर अच्छा तो है क्लियर <coughs> चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे uh, कह रहा फोर इक्ूलिटर ट्राइंगल आर यूज्ड टू फॉर्म अ रेगुलर क्लोज थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बाई ज्वाइनिंग along द एजिस द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन एनी टू फेसिस देखो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है इसके अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है चाहे नहीं किया है इसके आपको मार्क्स मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में ठीक है मार्क्स टू ऑल इसमें लिखा हुआ था इसका मतलब ये है कि आपको इक्ुलेटर ट्राइंगल्स फॉर्म कर रहे हैं यू नो दैट आप इस तरह के इक्ुलेटर ट्राइंगल का इस तरह का फिगर अगर आप फॉर्म करोगे जिसमें आपका इस तरह का फिगर बनेगा यानी कि जो बेस होगा बेस भी ट्रैंगर होगा और बाकी के जो तीन फेसेस हैं वो भी ट्रैंगुलर ही होंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो ये कह रहा है कि दो एडजेसेंट फेसेस के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एडजेसेंट नहीं बोला गया है क्या बोला गया है एंगल बिटवीन एनी टू फेस तो क्वेश्चन में यहीं पर दिक्कत है तो जो यहाँ पे दो तरह के एंगल बनेंगे एक बनेगा एक्यूट एंगल एक बनेगा ऑप्ट्यूस एंगल तो क्वेश्चन में जहां भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही हो ना तो क्वेश्चन हमेशा वहाँ पे क्या होता है सबको मार्क्स मिल जाते हैं वहाँ पर ऐसा क्यों क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिक चीज़ नहीं पूछी गई है बट जो क्वेश्चन का पूछने का जो वे है वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें इस एंगल के बारे में बात हो रही है कि सामने वाला जो फेस है और ये वाला जो फेस है इसके बीच का जो एंगल है ना ये एंगल कितना होंगे तो सिक्सटी डिग्री ही होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे बट क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है इस वजह से सबको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे शायद ये दो नंबर का क्वेश्चन था पता नहीं मुझे ठीक है <coughs> चलो आगे बढ़ते हैं एक ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है कह रहा है कि द रियल वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड द रियल कांस्टेंट पी क्यू आर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन वी हैव टू कह रहा है गिवन दैट द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो एंड द वैल्यू ऑफ px q uh, qy rz इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन आसान है ऐसा कुछ भी था नहीं वैसे खास आपको क्या करना है अगर तीनों वैल्यू बराबर हैं तो लेट से इट इज इक्वल टू के इसको के के बराबर रख दो कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है क्योंकि तो तीनों आपस में बराबर है लेट से इट इज ऑल द थ्री वैल्यूज आर इक्वल टू के तो अगर यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो पहले इस वर, इसको K के के इक्वल पुट कर दो क्योंकि सब आपस में बराबर है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा दिस विल बी के टाइम्स ऑफ पी क्यू माइनस आर स्क्वायर यहाँ पे अगर पुट करोगे P टाइम्स ऑफ x x का वैल्यू क्या है के पी क्यू माइनस आर स्क्वायर ठीक है ये सभी अब कैंसिल आउट हो जाएगा y का वैल्यू क्या होगा सिमिलर वे में y विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू आर माइनस पी स्क्वायर सिंपल क्यू आर माइनस पी स्क्वायर आर जेड विल बी वॉट जेड विल बी के टाइम्स ऑफ आर पी माइनस क्यू स्क्वायर आर पी माइनस क्यू स्क्वायर इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है वट इज द वैल्यू ऑफ दिस अगर ध्यान से देखोगे इस सारी की सारी वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो रही है अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दिस विल बी पी स्क्वायर पी स्क्वायर क्यूके पी स्क्वायर क्यूके यहाँ पर बन रहा है वैल्यू पी स्क्वायर क्यू के अभी देखो यहां पे के लिखना मैं भूल गया के भी लिख दो यहां पर दिस इज के टाइम्स राइट दिस इज अ के टाइम्स ऑफ एक सेकेंड्स ऑल्सो के टाइम्स ऑफ दिस राइट के टाइम्स ऑफ दिस ठीक है कुछ इस तरह का वैल्यू आपका नजर आ रहा है <coughs> इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा दिस विल बी पी स्क्वायर के क्यू माइनस पी आर स्क्वायर प्लस दिस विल बी व्हाट दिस विल बी व्हाट क्यू स्क्वायर के आर माइनस क्यू पी स्क्वायर के प्लस आर स्क्वायर के पी माइनस आर के क्यू स्क्वायर वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी आपको वैसे ही समझ में आ रहा है टर्म्स कैंसिल हो रही हैं ये वाला देखो पी स्क्वायर के क्यू प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर पी के आर स्क्वायर पी के कहाँ पर आ रहा है आर स्क्वायर पी के माइनस का और ये प्लस का और क्यू स्क्वायर के आर ये भी कैंसिल हो जाएगा दैट विल बी जीरो तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सिंपल सा इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करके अपना जो इक्वेशन है उसमें लगाना है तो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी देन यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी एज आंसर तो यही आंसर है आंसर की के अंदर भी ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं ये इंग्लिश पार्ट का एक सवाल है ठीक है इसमें पूछा गया है कि इसमें जो द ब्लैंक्स हैं वो आपको बताने हैं इन द गिवन टेक्स द ब्लैंक आर नंबर वन टू फोर सेलेक्ट द बेस्ट मैच फॉर द ब्लैंक्स चार आपके पास ऑप्शन है प्रोफेसर पी मेरली अ मैन हु नेरेटेड फुल स्टोरीज अब कह रहा है जो प्रोफेसर पी है वो मेयरली एक ऐसा मैन है जो कि अपनी जो जो फनी स्टोरीज है वो नेरेट करता है तो बेस्ट जो ऑप्शन है वॉज वॉज नॉट और वॉज नॉट ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है अगर आप इसको एक सिक्वेंस में पढ़ोगे एक रिदम में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे वॉज नॉट विल बी द बेस्ट सुटेबल चॉइस देन कह रहा है इन हिज ब्लैकेस्ट मूमेंट ही वॉज कैपेबल ऑफ सेल्फ डेप्रिसिएटिंग ह्यूमर अब आपके पास दो ऑप्शन है या तो ये होगा सी या तो आपके पास डी होगा वॉज नॉट दो जगह आ रहा है कह रहा है ओनली इन इज ब्लैकेस्ट ब्लैकेस्ट मोमेंट यहां पे इवन आएगा even का मतलब कि अपने ब्लैकेस्ट मूवमेंट में भी वो क्या करता था ह्यूमर uh, uh, मतलब यानी कि एक तरह से अपने जो ह्यूमर है उसको खोने नहीं देता था सिंपल सी बात है ओनली नहीं आएगा दैट विल बी इवन ओनली का मतलब है केवल केवल अपने ब्लैकेस्ट मूवमेंट में वो ऐसा करता था बट ऐसा नहीं होगा दैट विल बी कि भाई अपने बुरे मूवमेंट में भी अपना ह्यूमर वो नहीं खोता था इस तरह का ये एक मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो हमको पता लग गया कि यही इसका आंसर होना चाहिए देन प्रोफेसर क्यों क्या कह रहे हैं <coughs> ये कह रहा है प्रोफेसर क्यू अ मैन वॉज अ मैन हु हार्डली नेरेटेड फनी स्टोरीज ओनली इन हिज ब्लैकेस्ट मूमेंट वॉज ही एबल टू फाइंड द ह्यूमर ठीक है भाई इसका मतलब ऑप्शन डी इज द बेस्ट सुटेबल चॉइस देखो क्वेश्चन में अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे ना तब आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी ऑप्शन को वैसे ही एलिमिनेट कर दो दो तीन ऑप्शन अगर ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे तो आप आंसर के बहुत ही ज़्यादा पास पहुंच जाओगे तो डी ऑप्शन सही है चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था <coughs> फेबुनिकी सीरीज वाले क्वेश्चन में बहुत बार मिसिंग uh, सीरीज में अभी मैंने कल परसों ही लेक्चर लिया है उसमें फेबुनिकी सीरीज के बारे में मैंने बताया था उससे आसान सा सवाल पूछा गया है इन द फॉलोइंग सीरीज आइडेंटीफाइन द नंबर दैट नीड टू बी चेंज टू फॉर्म द दैबुनिकी सीरीज यानी कि इस सीक्वेंस को अगर फेबुनिकी सीरीज में कन्वर्ट करना है तो किस पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर नंबर को हमें चेंज करना पड़ेगा

will have a Fibonacci sequence. Yes, option number D. ठीक है तो ये क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ओके आगे बढ़ने से पहले ये चीज मैं आप सभी को बता दूं कि भाई जितने भी आपके जूनियर्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं गेट एप्टीट्यूड का एक बुक आने वाला है बहुत ही जबरदस्त जिसमें ना केवल आपके कॉन्सेप्ट होंगे आपके पास मोस्ट वेबल क्वेश्चंस होंगे साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बहुत बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट को प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं बहुत से स्टूडेंट को नहीं भी मिलते हैं तो एग्जाम फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इस साल के और तो प्रीवियस ईयर के सारे के सारे टेस्ट पेपर सॉल्व मिल जाएंगे साथ ही साथ जो फॉर्मूले हैं एक जगह पर फॉर्मूला शीट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी तो जब ये लाइव हो जाएगी तो मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा ठीक है चलो फिर आता है ऑड वन आउट इस सीरीज के अंदर आपको बताना है कि इन सीरीज में से जो ऑड नंबर है वो क्या है ऑड का मतलब क्या सारे के सारे नंबर एक जैसे होंगे एक जैसा कोई सर्टिन पैटर्न बना रहे होंगे एक कोई ऐसा नंबर होगा जो कि वो पैटर्न नहीं बना रहा होगा अगर नंबरों को ध्यान से देखा जाए तो सारे के सारे आपको प्राइम नंबर्स नजर आएंगे दे आर प्राइम नंबर्स अगर इसको ध्यान से देखोगे ट्वेंटी वन को ट्वेंटी वन इज नॉट अ प्राइम नंबर दिस इज अ कंपोजिट नंबर तो नाइनटीन थर्टी सेवन सेवनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ऑल आर प्राइम नंबर ठीक है ऑल आर प्राइम नंबर बट ट्वेंटी वन इज नॉट अ प्राइम नंबर आसान सवाल था यस yes. <coughs> बिल्कुल प्राइम और कंपोजिट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था <coughs> इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया है टेक टू लॉन्ग डाइस डाइस वैसे जनरली आपकी की बात करें तो एक क्यूबिकल यानी कि क्यूब शेप में डाइस होती है जिसमें सिक्स है, है? मतलब एक तरह से इस तरह का होगा कि कुछ इस तरह से होगा क्यूबॉडल शेप में होगा रेक्टेंगुलर फेसेस चार रेक्टेंगुलर फेस एक ये, दो, और इसके सामने वाला चार इफ थ्रोन द लॉन्ग डाइस कैन नॉट लैंड ऑन द स्क्वायर फेस ये जो स्क्वायर फेस है अगर इसको मैं रोल करता हूं तो स्क्वायर वाले फेस पे कभी भी लैंड नहीं करेगा इट विल ऑलवेज लैंड ऑन द रेक्टेंगुलर साइड ठीक है इन चार फेसेस पर ही वो जमीन पे लैंड कर सकता है एंड हैज वन बाई फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन एनी ऑफ द फोर रेक्टेंगुलर फेसेस

टू लॉन्ग डाई ग्रेटर देन इलेवन ग्यारह से ज़्यादा उनका सम आना चाहिए ग्रेटर देन इलेवन का सम आना चाहिए उसकी क्या प्रॉबिलिटी है भाई चार फेस हैं और दो डाई हैं मैंने आपको बताया है कि अगर एक जो नॉर्मल डाई होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम का सिक्स टू दी पावर एन क्योंकि उसमें छः फेस होते हैं अगर दो बार उसको मैं रोल करता हूँ तो उसके कितने आउटकम आते हैं थर्टी सिक्स लेकिन यहाँ पे फोर फेस ही हैं जो कि आ सकते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा फोर टू दी पावर एन यानी कि दो बार उसको रोल किया है तो दिस विल बी सिक्सटीन नहीं कुल मिला के सोलह यहाँ पे पॉसिबल आउटकम मेरे बन सकते हैं बट कंडीशन हमसे ये कह रहा है कि उसका जो सम है वो इलेवन से बड़ा होना चाहिए <coughs> कौन कौन से वो सम है दो तीन पाँच सात इसको लेके कौन कौन से वो पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं जिसमें सम इलेवन से ज़्यादा आएगा देखो टू को लेके तो कोई नहीं बनेगा क्योंकि मैक्स टू मैक्स टू और सेवन बन सकता है इसका सम एलेवन नहीं हो रहा है कहाँ से स्टार्ट करें थ्री से सेवन थ्री और सेवन भी टेन बनता है नहीं हमको फाइव वाले टर्म्स लेने चाहिए एक लेना चाहिए फाइव सेवेन ये बनता है ट्वेल्व फाइव सेवन एक ही बन पाएगा फिर सेवन से ले लो फाइव फाइव बन फाइव फाइव बन सकता है क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग डाई है फाइव फाइव बन सकता है लेकिन वो तो टेन बनेगा फाइव सेवन बन सकता है ये ठीक है चलो उसके बाद सेवन फाइव बन सकता है सेवन सेवन मिल सकता है तो यानी कुल मिला के देर विल बी थ्री सच आउटकम एक फाइव सेवन एक सेवन फाइव एक सेवन सेवन इसके अलावा कोई भी और ऐसा आउटकम नहीं है सिक्सटीन में से जो कि 11 से ज़्यादा सम आपको देगा तो आंसर क्या होगा थ्री बाई सिक्सटीन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी थ्री बाई सिक्सटीन ठीक है कंसेप्ट वही लग रहा है बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया तो कुल मिला के विल बी आउटकम्स और जिसमें से जो फेवरेबल आउटकम है विल बी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं <coughs> क्या कह रहा है हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ नल सेट अच्छा ये भी वही क्वेश्चन है जिसमें आपको सबको पूरे पूरे मार्क्स दिए गए हैं ठीक है इसमें सभी को पूरे पूरे मार्क्स दिए इस जाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तो इसमें जो पूछने क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है ना क्वेश्चन के बहुत सारे और भी फर्दर कह सकते हैं आंसर हो सकते हैं मल्टीपल आंसर हो सकते हैं तो ये क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो यहाँ पर गलत है तो जो क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत होता है ना तो सबको मार्क्स मिल जाते हैं तो फिजिकल साइंस में ही ऐसा हुआ है कि दो क्वेश्चन में आपको पूरे पूरे यहाँ पे मार्क्स दिए जा रहे हैं ठीक है तो भाई आई के ऐप को आप लोग कर लेना इंस्टॉल क्योंकि तो जो भी आपका पेपर है स्कोर है या जो भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको सभी को मिल जाता है बाकी लेक्चर्स फ्री पी ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और मैं आपको बता चुका हूँ सुबह के लेक्चर के अंदर कि मैं यहाँ पे डाउट सेशन लेने वाला हूँ वीकली फ्री ऑफ कोई उसका चार्ज नहीं है दैट्स ऑल फ्री ठीक है और साथ ही साथ जो टॉपिक बेस्ड जो यूनिट टेस्ट हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग ठीक है तो यहाँ पे आई का ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ये इंटेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन ये हर एक शिफ्ट में आया है हर एक पेपर में बना है कि भाई अब बताओ जैसे स्माइल है गिगल है लाफ है स्माइल यानी कि इंटेंसिटी डिनोट कर रहा है जो एरो है ये इंटेंसिटी डिनोट कर रहा है कि मैं अगर स्माइल करता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ गिगल करता हूँ यानी कि स्माइल में मुँह से आवाज़ नहीं निकलती जस्ट वी आर स्माइलिंग गिगल का मतलब हाँ थोड़ी सी मुँह से आवाज़ निकलेगी और लाफ में तो बहुत तेजी से हंसना इस तरह से हो गया यानी इंटेंसिटी डिनोट कर रहा है उसी ऑर्डर में आपको इसको बताना है डिसअप्रूव करना किसी चीज को डिसअप्रूव करना और इसका नेक्स्ट जो इसका जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है क्योंकि ये सारे एक तरह से क्या है आ, कह सकते हैं वो है एक तो होते हैं सिनोनिम्स एक होते हैं एंटोनिम्स ठीक है सिनोनिम्स सबके मीनिंग एक है बट इनकी जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है उस इंटेंसिटी के हिसाब से आपको यहां पर इसका आंसर करना है डिसअप्रूव इसका अगर आप मीनिंग जानते हो आपकी थोड़ी सी वॉकेबिलिटी अच्छी है ठीक है <coughs> बात समझ में आ रही है Tell me. मैं क्या कह रहा हूं अगर आपको इसका इंटेंसिटी समझ में आ रही है तो आपको थोड़ी सी वॉकेबिलिटी सही है तो आपको समझ में आएगी डिसअप्रूव करना किसी चीज को And then this child, इसके बीच में क्या आ सकता है प्रेस तो नहीं होगा प्रेस करना तो किसी की प्रशंसा करना होता है ग्रीफ भी नहीं होगा Reprise is not also suitable for that that can be disprove ठीक है यानी कि एक तरह से क्या करना करना निंदा करना लास्ट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सबसेट वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं उसको ठीक है सबसेट वाले क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर टेन ये एक डीआई का सवाल था जिसमें आपको ग्राफ को यानी कि बार ग्राफ को देख के ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी <coughs> यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के बारे में बात हो रही है 2012 से लेकर 2022 तक का जो उनका बैटिंग एवरेज रहा है एवरेज यहां पे आपको दे रखा है <coughs> और ये कह रहा है वर्ल्ड कप ईयर दो और दो जो है ये वर्ल्ड कप वाले साल हैं। तो कह रहे वीके हैज यानी कि विराट कोहली हैज हायर ईयरली बैटिंग एवरेज देन रोहित शर्मा इन एवरी वर्ल्ड कप विराट कोहली ये है विराट कोहली का को जो एवरेज है वो कह रहा है ज्यादा है यहाँ पे तो भाई कम है यहाँ पे ज्यादा है थोड़ा सा लेकिन यहाँ पे तो कम है तो कह रहा है उसका हायर है हर एक वर्ल्ड कप में ये तो गलत हो जाएगा विराट कोहली ईयरली बैटिंग एवरेज कंस्टेंटली हायर देन द रोहित शर्मा बिटवीन द टू वर्ल्ड कप ईयर वर्ल्ड कप ईयर के बीच में जो विराट कोहली का बैटिंग एवरेज है वो हमेशा ज्यादा है एज कंपेयर टू द रोहित शर्मा यहाँ पे तो ज्यादा है यहां भी ज्यादा है और यहां भी ज्यादा है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर <coughs> ठीक है ठीक है ठीक है द रोहित शर्मा बिटवीन द टू वर्ड कभी ठीक है ऑप्शन तो नंबर बी विल बी द राइट चॉइस सी कैसे गलत है रोहित शर्मा ईयरली बैटिंग एवरेज कंसिस्टेंटली हायर देन विराट कोहली इन द लास्ट ईयर लास्ट ईयर में अगर देखें तो रोहित शर्मा का बैटिंग एवरेज ज्यादा है कह रहा है यहां पे तो ज्यादा है यहां पे कम है यहां पे ज्यादा है तो हर जगह नहीं है ये गलत हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है दिख रहा है एक सेकेंड लास्ट वाला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है देखो रोहित शर्मा हैज अ हायर ईयरली बैटिंग एवरेज देन दैट ऑफ विराट कोहली इन एवरी वर्ल्ड कप कह रहा है जो रोहित शर्मा का जो बैटिंग एवरेज है वो क्या है हायर है किससे विराट कोहली से इन एवरी वर्ल्ड कप ईयर वर्ल्ड कप ईयर की बात कर रहा है भाई रोहित शर्मा ये तो गलत है एक बार रोहित शर्मा का ज्यादा था एक बार विराट कोहली का ज्यादा था तो दिस विल विल बी बी ऑप्शन नंबर द राइट चॉइस। चलो, ठीक है? तो ये था आपका पेपर यानी कि ये सारे क्वेश्चन थे तो किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आंसर की एकदम सही है उसमें कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बात रही इस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन में देखो सेट थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे सेट थ्योरी का मतलब क्या है देखो <coughs> वैसे क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा कह सकते हैं रॉन्ग है हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ द नल सेट ऑफ ए बी सी आर पॉसिबल फ्रॉम द सबसेट ऑफ टू थ्री फाइव ठीक है मान लो दिस यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक बड़ा सा सेट जिसके सारे के सारे और भी पार्ट्स हो सकते हैं जैसे कि मान लो एक ये यूनिवर्सल सेट है मैं कोई सेट बना रहा हूँ जैसे मान लो ए ए के कुछ एलिमेंट्स है टू और थ्री बी के कुछ एलिमेंट्स हैं थ्री और फाइव ठीक है तो कह सकते हैं कि ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यू यू का जो है यूनिवर्सल सेट है उसके सबसेट हैं दो और तीन तीन और पांच अब सवाल में ये कह रहा है कि सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए इज अ सबसेट ऑफ बी इसके हिसाब से ये यूनिवर्सल सेट के हिसाब से ए एक सबसेट होना चाहिए बी का तो ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो क्या क्या बना सकता हूँ लेट से सबसे पहला मैं ये कह सकता हूँ कि बी हमारा क्या है टू थ्री फाइव है एक तरह से यूनिवर्सल सेट के बराबर है अगर ये यूनिवर्सल सेट के बराबर है तो ए इसका सबसेट कैसे बन सकता है ए इसका सबसेट ऐसे बन सकता है कैसे इस तरह से बन सकता है ए का सबसेट ऐसे बन सकता है तीन ले लेते हैं और पांच ले लेते हैं ऐसे बन सकता है लेकिन इसमें एक और चीज भी कह रहा है लेकिन बी इज सबसेट ऑफ सी साथ ही साथ बी सबसेट होना चाहिए किसका सी का बी सबसेट होना चाहिए का। तो बी इज सबसेट ऑफ सी तो इस तरह से ले सकते हो मान लो ये टू थ्री नहीं है टू थ्री फाइव नहीं है टू थ्री, थ्री फाइव ये है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सी सबसे बड़ा सेट हो गया बी उसका सबसेट हो गया और बी का भी सबसेट कौन हो गया बी का भी सबसेट हो गया ए तो ऐसे ही शफल करके इनको शफल करके कितने पॉसिबल तरीके हैं जिसमें सी सबसे बड़ा सेट होगा सी का सबसेट बी होगा और बी का सबसेट फिर ए होगा ऐसे कितने पॉसिबल तरीके हैं ये हमको बताना है ठीक है तो ये है क्वेश्चन का अप्रोच <coughs> सेट थ्योरी के ऊपर बेस्ड सवाल गेट के अंदर आता है पर सीसर नेट के अंदर अभी तक तो नहीं दिखा है बट हां इन अपकमिंग लेक्चर्स वी विल मैं ट्राई करूंगा कि सेट थ्योरी को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए ठीक है तो बस ये था आपका तो कल आप लोग जुड़ जाना कल आप लोग जुड़ जाना सुबह ग्यारह बजे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वो डिस्कस करने वाले हैं और आज हमने काउंटिंग द फिगर्स चैप्टर को किया है जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है साथ ही साथ जो पी है आपको मिल गया होगा आई होप अभी तक ठीक है और होमवर्क के क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेना तो मिलेंगे कल टिल देन थैंक यू सो मच गाइज और अभी हमारे पास इवोल्यूशन का बचा है टेस्ट हाँ केवल एक ही बचा है उसको भी डिस्कस कर लेंगे जल्दी ठीक है तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहा करो मैंने सारे के सारे मैथमेटिकल साइंस और केमिस्ट्री गेट बी एक्सेल सबका डिस्कशन कर रखा है मैंने और शोभिक्सर ने उसको जाके एक बार देख लेना वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है ठीक है और राइट थैंक यू सो मच संजीव थैंक यू ऑल